डीटी न्यूज के क्राइम पेट्रोल इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के कामारेड्डी जिले से 5 नटवर लाल शिकार की तलाश में नांदेड़ शहर पहुंचे। इनके पास में $1 बिलियन की एक फर्जी नोट थी जिसकी कीमत लगभग 76 अब्ज रुपये है, यानी भारतीय चलन में लगभग 760 करोड़ रुपये। ये नटवर लाल शातिर दिमाग के हैं। उन्होंने नांदेड़ शहर को निशाना बनाया। नांदेड़ शहर के गुरुद्वारा इलाके में वो किसी ऐसे बिचौलिए की तलाश कर रहे थे जो अपने शिकार तक उनको पहुंचा सके, लेकिन इसकी गुप्त सूचना नांदेड़ की क्राइम ब्रांच को लगी और ये तीनों आरोपी पकड़े गए। दो आरोपी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन $1 बिलियन की फर्जी नोट लेकर लोगों को ठगने के लिए ये आंध्र प्रदेश की सरजमीन से नांदेड़ शहर पहुंचे। इन नटवर लाल का नाम है महेश इलैया वेलुटुला गालरेड्डी देवरमरा और आनंद राव अयन्ना गुंजी। ये तीनों शातिर ठग नांदेड़ पुलिस की गिरफ्त में है। कल गुरुद्वारा इलाके में ये बिचौलियों की तलाश में आए थे, लेकिन इसकी भनक नांदेड़ की अपराध शाखा को लगी और ये तीनों धर दबोचे गए, जबकि दो ठग भागने में कामयाब हुए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद किए उसमें कई हैरान करने वाले वीडियो फुटेज मिले हैं। मसलन पैसे की बारिश, जमीन में दबा हुआ गुप्त धन, मांडूल नामक सांप का उपयोग व अलग अलग फंडे हैं। ये डिजिटल तकनीक से लैस ऐसे तीनों नटवर लाल नांदेड़ शहर पहुंचे और पकड़े गए। आप इनकी भोली भाली सूरत पर मत जाइएगा। ये तीनों इतने शातिर हैं कि आपकी आंखों से काजल चुरा लेंगे और पलकों को खबर तक नहीं लगेंगी। आंध्र प्रदेश के कामारेड्डी जिले से ये नांदेड़ तो पहुंचे, लेकिन शिकार की तलाश में खुद ही शिकार हो गए। पुलिस को अंदेशा है कि इसके पहले भी इन लोगों ने ठगी के वारदात को अंजाम दिया ही होगा। ये कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिसमें से 2 रप्पू चक्कर होने में कामयाब तो हो गए, लेकिन तीनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस अब इनसे ये सच उगलवा रही है कि उन्होंने इसके पहले ऐसी ठगी की वारदात को कहां कहां अंजाम दिया था। दो फरार आरोपी नांदेड़ क्राइम ब्रांच की रडार पर है, उनको पुलिस जल्द ही पकड़ लेंगी। $1 बिलियन की नोट का लालच देकर लोगों को झांसा देकर ठगने वाले ये नटवर लाल काफी शातिर दिमाग के हैं। सर लाइट का नाम है? हाँ सर, नेट बोल। आपको पता होगा कि लोगों को पैसे की बारिश हो रही है या कुछ तरह का अंधविश्वास दिखा के लूटने का काम हमेशा चलते आ रहा है। तो एक टीम जो है LCB की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ बंदे जो है उनके पास US गवर्नमेंट की $1 बिलियन की नोट है, वो 50 लाख में बेचने के लिए तैयार थे। तो इनकी किसी से बात चल रही थी कि 50 लाख रुपए लेके आओ और ये नोट लेके जाओ। ये जानकारी मिलने के बाद वहाँ उनको दबोच लिया गया, उनको अरेस्ट किया है और इस तरह का चीटिंग उन्होंने इसके पहले कहाँ कहाँ किया है इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर ये कहाँ के? ये सब ओरिजिनल? ये सब निजामाबाद के, आउट ऑफ स्टेट, तेलंगाना के निजामाबाद। सर ये नोट लाकर ये किस तरीके से फंसा जाता था और ऐसा कि मामला सामने आया क्या? अब तक जो सामने आया है उनकी MOB यही थी कि नोट दिखा के लोगों को बोलने का कि ऐसे ऐसे नोट है और हम काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं, झांसा देने का, कैश लेके किसी को बुला लेने का और वहाँ से पैसा लेके निकल जाने का, इस तरह की उनकी MOB है। थैंक यू। नांदेड़ के पवित्र गुरुद्वारा में $1 बिलियन की नोट दान में मिली है, ऐसा नुस्खा लेकर ये फंडा लेकर ये शातिर नटवर लाल नांदेड़ के उसी गुरुद्वारा इलाके में पहुंचे जहां पर वो बिचौलिए की तलाश कर रहे थे। वो बिचौलिया इस शिकार तक ले जाए ऐसी उनकी उम्मीद थी, लेकिन नांदेड़ में शिकार के लिए आए नटवर लाल
ठगी करने वाले, झांसा देने वाले ये नटवर खुद ही नांदेड़ पुलिस के शिकार हो गए। $1 बिलियन की नोट यानी भारतीय चलन में लगभग 76 अरब रुपए यानी कि 760 करोड़ रुपए। इनके पास पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किए जिसमें कई सारे हैरान करने वाले वीडियो नांदेड़ पुलिस को मिले हैं, जिसमें पैसे की बारिश करना, जमीन में दबा हुआ गुप्त धन खोजना और कम समय में करोड़पति होने के सारे फंडे इसमें पुलिस को मिले हैं। अब नांदेड़ पुलिस ये तलाश कर रही है कि इन तिकड़ी ने और कहां कहां इस तरह से झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। 3 लोगों को नांदेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नांदेड़ से रपू चपर होने में कामयाब हो गए, लेकिन नांदेड़ पुलिस पाताल से भी इन आरोपियों को ढूंढ लेंगी। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।